अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले इसका भी सेम प्रोसीजर है। क्या फर्स्ट स्टेप, हम एक्स वाई लाइन ड्रा करेंगे। हमारे पास जो सर्कल है वो है 3 सेंटीमीटर अबव द एच पी एंड 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ एच पी, 3 सेंटीमीटर अबव द वी पी एंड 3 सेंटीमीटर अबव द एच पी एंड 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो इसके उनके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास से जो सर्कल ड्रा होगा, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रा करेंगे और इसके यहाँ पे सेंटर लाइन, एक्स वाई लाइन के ऊपर हम एक सेंटर लाइन भी ले लेंगे। इस वजह से एक सेंटर लाइन हम ले लेंगे। इसके बाद हम 3 सेंटीमीटर अबव, यानी कि यहाँ से एक्स वाई लाइन से 3 सेंटीमीटर अबव मार्क कर लेंगे और 2 सेंटीमीटर बिलो। अब हमारे पास जो सर्कल है उसका डाया हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कंपास लेंगे, उसको ओपन करेंगे हम 2.5 सेंटीमीटर पे। तो कंपास को हम ओपन करेंगे 2.5 सेंटीमीटर पे और ये 3 सेंटीमीटर पे हम एक सर्कल ड्रा कर देंगे। इस वजह से हम 3 सेंटीमीटर पे एक सर्कल ड्रा कर देंगे जिसका डाया होगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने जो सर्कल है इसको डिवाइड करना है 30-30 के एंगल में। उनके सर्कल के हमने जो टोटल पोर्शंस हमने ड्रा करने हैं वो 30-30 के एंगल पे जितने पोर्शंस होंगे वो हम ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले एक हम काम करते हैं, यहाँ से जो ये सेंटर है यहाँ से, तो ये हम सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे फ्री ऑफ मेजरमेंट। इस लाइन की कोई मेजरमेंट नहीं है, लाइटर ड्रा करेंगे ताकि हम बाद में इजीली से रिमूव भी कर सकें। लाइन ड्रा करने का अब हमने क्या करना है कि सर्कल को 30 के एंगल्स में डिवाइड कर देना। इससे हम लेंगे प्रोटेक्टर और इस वजह से 30 के एंगल में इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। और सेम वे से नीचे भी हम इसको सेट करेंगे यहाँ पे और 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। अब हमको इनको डिवाइड करने के बाद क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे सर्कल के इनसाइड, इनके हमारे पास 30-30 के एंगल्स जो हैं वो बन जाएंगे। इस तरह से हमने सर्कल को डिवाइड कर लिया 30 के एंगल में। अब हमने ये एक्स वाई लाइन से बिलो था 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर मार्क किया हुआ, यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लेंगे हॉरिजॉन्टल फ्री ऑफ मेजरमेंट इस वजह से। अब हम क्या करेंगे कि जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हम प्रोजेक्ट करेंगे नीचे वाली साइड पे, क्योंकि जो पॉइंट्स हमने लिए हैं इनको इस वजह से नीचे प्रोजेक्ट हम कर देंगे, लाइटर लाइन से प्रोजेक्ट करना है। इस वजह से हम जो हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स हैं नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे। इस वजह से हम जो सारे पॉइंट्स हैं नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब पॉइंट्स प्रोजेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनको नेम दे देंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश एंड डी डैश। ये वाले हो जाएंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब हमारे पास ये हमारे पास सर्कल का एक व्यू आ गया। अब हमने इसको इसका सेकेंड व्यू जो ड्रा करना है वो हमने करना है 30 डिग्रीज पर। तो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई लाइन पे, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर पेपर, और यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे, मार्क करेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री मार्क करने के बाद इसको हम जॉइन कर देंगे इस वजह से। जॉइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम डिवाइडर लेंगे और डिवाइडर ये मेजरमेंट्स बहुत कम है, हम ये वाली मेजरमेंट्स जो है सारी इस लाइन पर शिफ्ट करेंगे 30 डिग्रीज पर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारे पास मेजरमेंट है 0.4,
सेंटीमीटर, जिससे यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और ये 0.4 जो हमने पहली मेजरमेंट शिफ्ट कर दी। अब दूसरी मेजरमेंट हम यहाँ से नोट करेंगे 0.75, इसको हम नेक्स्ट हम लेंगे मेजरमेंट 1.3, इसको यहाँ से नोट करेंगे 1.3 यहाँ पर, ये भी हमारे पास 1.3 होगी। सेम वे से जो भी नेक्स्ट आएंगी हमारे पास वो रिपीटेड होंगी 7.5 और 0.4। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने जो पॉइंट्स हमारे पास मेजरमेंट्स आई हैं इनको ऊपर शिफ्ट कर देना है। इन पॉइंट्स को हम प्रोजेक्ट कर देंगे जितने भी पॉइंट्स हैं सबको हम प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से। लाइटर लाइन से प्रोजेक्ट करना है ताकि हमारे पास जो फिगर बने वो बिल्कुल क्लियर हो। याद रहे ड्राइंग बनाते वक्त ज़्यादातर जो यूज़ करें वो लाइटर लाइन्स ड्रा करें ताकि अगर कहीं पर गलत मिस्टेक हो जाए तो आप उसे इजीली रिमूव कर सकें। इस तरह से हम जो पॉइंट्स होंगे सबको ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे। इनके ये वाले जो पॉइंट्स होंगे सारे हम यहाँ पे इस लाइन पे शिफ्ट करके इनको प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने जो पॉइंट्स हैं सर्कल के इन सब को भी प्रोजेक्ट कर लेना है सेट स्क्वायर टी स्क्वायर की मदद से करेंगे ताकि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट प्रोजेक्शन मिले। लाइटर ड्रा करेंगे ताकि हम इन्हें अगर गलती हो जाए तो ईजिली रिमूव कर सकें और हमारी जो है फिगर ज़्यादा इफेक्ट ना हो इससे। ये सभी पॉइंट्स जो हम इस वजह से यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेंगे। इस वजह से हम जो है ये वाले सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, केयरफुली इन सभी पॉइंट्स को जहाँ जो जो पॉइंट्स हैं उनके साथ ज्वाइन करना। ए पॉइंट जो है ये हमारे पास इस जगह पे है, इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और जी पॉइंट जो है वो भी हमारे पास सेम इसी लाइन पे है, यहाँ पे इसे मार्क कर लेंगे। बी पॉइंट जो है इस यहाँ पे है तो इसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, डी पॉइंट यहाँ पे है, ई पॉइंट यहाँ पे और एफ पॉइंट जो है यहाँ पे। सेम वे से नीचे भी हम ऐसे मार्क कर लेंगे। ये वाला ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, सी जो है यहाँ पे, डी यहाँ पे, ई, एफ एंड जी। अब हमने क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स जो हमें मिले हैं इनको हमने केयरफुली जो है फ्री हैंड ड्रा करके इन्हें ज्वाइन कर देना। तो हमारे पास एलिप्स शेप की कुछ फिगर मिल जाएगी। इस वजह से हमने इनको फ्री हैंड जो है वो ज्वाइन कर देना। हम ज्वाइन करते जाएंगे तो हमें एक एलिप्स टाइप की जो है फिगर देखने को मिलेगी। पहले हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमें एक एलिप्स टाइप की जो फिगर हमारे पास वो फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास 30 डिग्रीज पे जो है इसका व्यू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्रीज पे। तो इस वजह से हमारे पास ये एलिप्स टाइप का जो है हमारे पास व्यू आ जाएगा 30 डिग्रीज पे इसी सर्कल का। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली ड्रा कर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल एट 30 डिग्री, सही है।
So friends, if you like my video, then subscribe my channel and hit the bell icon, and also and do not forget to share it with your friends. Stay tuned for more videos and updates. Allah Hafiz.